आपका पहला सवाल है, कौन सा देश सूर्य ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग करता है? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी जापान, डी अमेरिका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चीन। आपका दूसरा सवाल है, बंदर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? आपके ऑप्शन है ए जापान का, बी भूटान का, सी सेंट्रल का, डी इजराइल का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सेंट्रल का। आपका तीसरा सवाल है, कौन सा जानवर 200 वर्षों तक जीवित रहता है? आपके ऑप्शन है ए कछुआ, बी गोरिल्ला, सी घड़ियाल, डी मगरमच्छ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कछुआ। आपका चार नंबर सवाल है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हीलियम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। आपका पांच नंबर सवाल है, किस देश में सिर्फ 40 मिनट की रात होती है? आपके ऑप्शन है ए नॉर्वे में, बी श्रीलंका में, सी भूटान में, डी मालदीव में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नॉर्वे में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। आपका अगला सवाल है, गरबा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी गुजरात में, सी पंजाब में, डी महाराष्ट्र में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुजरात में। आपका सात नंबर सवाल है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है ए 25 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 30 वर्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। आपका आठ नंबर सवाल है, भारत से सबसे अधिक विदेशों में निर्यात होने वाली सब्जी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए कटहल, बी प्याज, सी आलू, डी करेला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्याज। आपका अगला सवाल है, भारत देश की प्रमुख फसल कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए धान, बी गेहूं, सी गन्ना, डी मक्का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धान। आपका 10 नंबर सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर है जो वीडियो गेम भी खेल सकता है? आपके ऑप्शन है ए भालू, बी बंदर, सी चीता, डी जिराफ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बंदर। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो आपका अगला सवाल है, मुंबई का प्राचीन नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी बंबई, डी तेलंगाना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बंबई। आपका 12 नंबर सवाल है, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी नदी नहीं है? आपके ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी मालदीव, सी सऊदी अरब, डी पाकिस्तान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सऊदी अरब।
आपका 13 नंबर सवाल है, केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। आपका 14 नंबर सवाल है, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी नेपाल, सी ब्रिटेन, डी जापान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। आपका 15 नंबर सवाल है, भारत का संविधान किस दिन लागू किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 5 सितंबर, डी 2 अक्टूबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आपका 16 नंबर सवाल है, किस देश में 10 पेड़ लगाने पर ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है? आपके ऑप्शन है ए थाईलैंड, बी सिंगापुर, सी फिलीपींस, डी ब्रिटेन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फिलीपींस। आपका अगला सवाल है, कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए 1947 में, बी 1962 में, सी 1999 में, डी 1965 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1999 में। आपका 18 नंबर सवाल है, नींबू पानी किस रोग को ठीक करता है? आपके ऑप्शन है ए कब्ज, बी सुगर, सी पथरी, डी कैंसर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कब्ज। आपका अगला सवाल है, किस पौधा को लगने से सांप घर के अंदर नहीं आता है? आपके ऑप्शन है ए नीम, बी सर्पगंधा, सी बरगद, डी नागफनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सर्पगंधा। आपका 20 नंबर सवाल है, ताजमहल की ऊंचाई कितनी मीटर है? आपके ऑप्शन है ए 70 मीटर, बी 73 मीटर, सी 75 मीटर, डी 80 मीटर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।